शिवपुरी जिले के चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। 5 दिन में 2 चोरियों को अंजाम दे चुके हैं और अभी तक पुलिस चोरों का सुराग नहीं लगा पाई है, जिससे रहवासियों में दहशत फैल रही है। शिवपुरी के बेराड़ में चोरियां थमने का नाम नहीं ले रही है। ताज़ा मामला आज रात का है, जहां मेन रोड न्यू बस स्टैंड के पास चिरौंजी लाल नामदेव के मकान पर चोरों ने धावा बोल दिया और चोरी के दौरान करीब 1 लाख सहित सोना चांदी के जेवरात चोरी करके ले गए। हम आपको बता दें कि 4 दिन पहले भी धीरज पुत्र मनोज सोनी की ज्वेलरी की दुकान में जेवरात चोरी हो गए थे, जबकि पुलिस की गश्ती लगातार जारी है। बावजूद इसके चोरियां नहीं रुक रही, इससे रहवासियों में काफ़ी दहशत का माहौल पसरा हुआ है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। नानी गिर पड़ी तो बात एक बार चले गए तो बिना रोक ले, पर हाँ कल भी रोक ले वहाँ भगया हो तो बंदे फीपरी छोड़ गए। घर कोई नहीं, तालो लगो चाबी हम जेब में थी तो सवेरे ये टूट डेरी वाले ने फोन करवाए 7 बजे ताल तुम्हें घर पर तारो टूट कर सब के बारे पड़े रहे। फिर मैंने मोड़ा फोन लगाओ पड़े गया फिर छोटे बारे लगाओ फोन अब जे आए मोड़ मोड़ी हम तो 8 बजे आए मजे थे सामान सब पकड़ो। क्या क्या गया है? करीब 1 लाख तो रुपया है नगर या तो हजार दो हजार कम हो जाए 2-5 हजार ऊपर। और एक जोड़ी हार है एक हार है 4 चूड़ी है सोने की और एक जोड़ी झुमकी है 2 अंगूठी है एक सोने की एक मंगल सूत्र है एक जंजीर है 2 तोले की और 4 चूड़ा चांदी के। 1 लाख नगर सर जेवरा चोरी हो गए और उसकी थाने में रिपोर्ट कब कराई आपने? थाने में रिपोर्ट अभी हाल ही करी भाई जी, भाई आ रही है। किसी पे शक है? शक का ऊपर नहीं है भैया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।